फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे फेस वॉश के बारे में, एक ऐसे फेस स्क्रबर के बारे में और एक ऐसे फेस पैक के बारे में जिससे आप अपनी स्किन पर इंस्टेंटली ग्लो पा सकते हैं। और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि रिंकल्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए, ब्लेमिशेस हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, एक्नीज हो गए, उन सबसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है, वो भी आपके एक दो बार इस्तेमाल करने के बाद। इसके लिए हमें चाहिए चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी पाउडर। ये जो हल्दी है ये अम्बा हल्दी है। मैं आपको हर एक अपनी रेमेडी में बताती हूँ कि मैं जब भी यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि स्किन के लिए अम्बा हल्दी बेस्ट मानी गई है। और रोज़ वाटर, ये खादी का रोज़ वाटर है। आप चाहें तो आप गुलाबरी या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उस रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मुल्तानी मिट्टी के बारे में कि मुल्तानी मिट्टी से हमारी स्किन को क्या बेनिफिट्स हैं। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, हमारी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करती है, या कंट्रोल कह दे या फिर हम कह सकते हैं हमारी स्किन के जो ऑयल होता है इसको एब्जॉर्ब करती है, और हमारी स्किन की जो टैनिंग होती है, डेड सेल्स होती है, उसको पूरी तरह से निकालती है। और अब हम बताते हैं चंदन पाउडर के बारे में। चंदन पाउडर जो हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो ब्लैमिशेस होते हैं, उनको रिमूव करता है, स्किन को ग्लोइंग करता है, स्किन की टैन रिमूव करता है, और स्किन के जो रिंकल्स होते हैं उनको पूरी तरह से निकाल देता है। रोज वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, और हल्दी एज एंटीबायोटिक हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एज एंटीबायोटिक्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी एक्नीज होते हैं, जो भी पिंपल्स होते हैं, अगर हम हल्दी का स्किन में रेगुलर किसी न किसी वे में इस्तेमाल करते हैं तो जो भी एक्नीज होते हैं, ये जो भी स्किन डिजीज होती हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी आपकी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको एज अ फेस पैक, फेस स्क्रबर और फेस वॉश हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। मेरे चेहरे में थोड़ा सा मेकअप लगा हुआ है इसलिए मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। मेरे फेस पर हल्का सा मेकअप लगा है इसलिए मैं क्लींजिंग मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा मेकअप होता है तो मैं हमेशा कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए हम जल्दी से अपना फेस वॉश कर लेते हैं। इससे जिस तरह से मैं आपको फेस का मेकअप निकालना बता रही हूँ, मैं आईज में काजल और लिपस्टिक सिर्फ लगा रहेगा, मैं आपको पूरा बाकी पूरे फेस का मेकअप निकालना बताती हूँ कि हमें इस तरह से क्लिंजिंग मिल्क का इस तरह से हमें अपने फेस पर अप्लाई कर लेना चाहिए और इस तरह से रब करना चाहिए। और अगर आँखों का आपको मेकअप निकालना है तो यहाँ पर आप क्लिंजिंग मिल्क लगा लीजिए और उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप सर्कुलर मोशन पे आप अपना अपने फिंगर्स से मेकअप को निकाल सकते हैं। मैंने कॉटन से पूरी तरह से मेकअप को निकाल लिया है, और इसके बाद आप चाहें तो फेस वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा चिपचिपाट रहता है तो फेस वॉश कर लेना चाहिए, या तो फिर आप चाहें तो रोज़ वाटर से भी आप बाद में अपने जो भी बचा हुआ मेकअप है आप रोज़ वाटर से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं इससे कर रही हूँ। मेरा अगर नॉर्मल मेकअप होता है और मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं इसी रोज़ वाटर से अपना पूरा मेकअप निकाल लेती हूँ। अपनी स्किन पर आप कभी भी मॉइस्चराइजर लगाइए, आप मेकअप लगाइए या फिर आपको मेकअप रिमूव कीजिए, हमेशा आप याद रखिए कि आपको अपवर्ड मोशन में ही अपनी जो भी प्रोसेस है उसको फिनिश करना है। सबसे पहले हम ले लेंगे क्लीन बाउल। मेरे इसमें मुल्तानी मिट्टी है और चंदन पाउडर का मिक्सचर है, जो कि मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से दोनों को डाल के रखा है पहले से, और इसमें हम 1 पिंच के हिसाब से हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। ये है 1 पिंच के हिसाब से मैंने इसमें हल्दी मिक्स कर लेंगे, और हम रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। रोज़ वाटर हम इतना ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए और हमारी स्किन पर पूरी तरह से, यानी कि हमारे चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि मेरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। सी ये जो है ये नॉर्मल स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें हनी का इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें आप टोमेटो जूस या फिर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी स्किन नॉर्मल है इसलिए मैंने सिर्फ रोज़ वाटर मिक्स किया है। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसमें लेमन और हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, तो अगर आप इसको फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर को बराबर क्वांटिटी मिक्स कर लीजिए, और
1/3 के हिसाब से आप उसमें हल्दी पाउडर को मिक्स करके आप अपने एक कंटेनर में बनाकर रख सकते हैं, और जब भी आपको फेस वॉश करना हो आप उस अपने हाथ में लेकर पानी मिक्स करके भी एज ए फेस वॉश आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फेस स्क्रबर इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो पेस्ट रेडी हुआ है, सबसे पहले इसको हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। एज अ फेस स्क्रबर के लिए तो अब हम इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे, और एज अ फेस स्क्रबर हम इसको इस तरह से रब करेंगे। याद रहे आप फेस स्क्रबर का कभी भी इस्तेमाल करें तो सर्कुलर मोशन भी करें। कम से कम 2-3 मिनट तक आपको अपने फेस की मसाज करनी है, जिससे एज ए स्क्रबर आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एज ए फेस पैक इस्तेमाल करना है तो जिस तरह से मैंने अपने चेहरे पर लगाया था पहले, आप उसको अपवर्ड मोशन में लगाकर छोड़िए हमेशा। आप कभी भी स्किन पर, मैंने पहले ही बोला, कभी भी स्किन पर कुछ भी अप्लाई कीजिए, हमेशा सर्कुलर से लेके अपवर्ड में फिनिश कीजिए। फेस पैक को आप अपवर्ड मोशन में लगाकर आप उसको ऐसे ही कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसे वॉश कर लीजिए। मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया है और जो भी ग्लो है आप मुझे देख सकते हैं। याद रहे कि अगर आप फेस पैक बनाना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कीजिए, एज अ फेस स्क्रबर भी हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डेली अपना फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस पैक का इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बिल्कुल मत भूलें। आप चाहें तो आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेरे ही बनाए हुए किसी टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सूदिंग टोनर है जो मैंने बनाए हुए हैं, और अगर आप चाहें तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फेस पैक है ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको फिर से मिलती हूँ अपने नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।